पे जाए, ठीक है, वहां जब मैं आपको सरल अप्लाई दूंगी, ठीक है, समझ रहे हो, समझ रहे हो, समझ रहे हो ना। मम्मा उठ जाओ, मोबाइल ले आओ, शाम हो रही है, रोटी भी बनानी है। बहुत खराब हुई, दवाई लेके आओगी तो तबीयत भी ठीक होगी। दवाई तो मैं ले आई हूँ, बड़ी मुश्किल से इतनी ठंड लग रही थी, अली मोटरसाइकिल चला रहा था ना, बहुत ज्यादा ठंड लग रही थी, बाढ़ भी पड़ी है। कौन सा धूप निकली, धूप नहीं निकली, इधर बिल्कुल अंधेरा था और मुझे ना घबराहट हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आके लेट गई हूँ। बहुत ज्यादा खराब हुई हुई है वो सब, मैंने आपको चाय बोला था बना दी है, चाय मुझे ला कर दो और साथ ना डबल रोटी लेकर आओ, मैं वो खा लूं ताकि ना मैं दवाई खा सकूं। तो चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल असी व्लॉग ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। मेरी तबीयत आज बहुत ख़राब है, रात मेरे ठंडे पानी से ना मसबूद होया है और कमरे में जा के लेटी हूँ, तो रात के तकरीबन 11-12 बजे मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ही नाजुक और सीरियस हो गई थी। ऊपर से ज़ुकाम, खांसी, साथ ही बुखार और साथ ही ना ऐसे ना यहाँ दर्द होने लगी बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने क्या किया है कि मैंने निकाल ली, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो रही है, बहुत दर्द हो रही है। अली कहते हैं मम्मा हॉस्पिटल भी लेके चलता हूँ उसको, मैंने कहा नहीं बेटा, क्योंकि आप छोटे हो अभी, ठीक है, अभी छोटे हो आप, अभी आप हॉस्पिटल में मुझे नहीं लेके जा सकते। कहते नहीं बेटा, कुछ कुछ होता ये आगे से क्या इसको कहते हैं, स्मोक, एक ये स्मोक है वो बहुत बहुत पड़ रही है, इसकी कोई सुबह का ऐसे मौसम है जैसे अब है। जो सोग है क्या है इसका तो मुझे नाम भी नहीं आता, मुझे तो परेशानी लगी हुई है कि मेरे बच्चे कैसे स्कूल जाया करेंगे, इतना धुंध टाइप है ना ये बंदे को, तो बंदा नहीं। मैं अभी दवाई लेने गई हूँ ना डॉक्टर के पास, वैसे हाथ से हाथ भी नजर आ रहा था, गाड़ी के साथ गाड़ी, मोटरसाइकिल के साथ मोटरसाइकिल, तो मुझे अपने बच्चों की परेशानी हो रही है। अल्लाह पाक सबके बच्चों को अपनी ज़बान में रखे, तो इसलिए मुझे बहुत परेशानी हो रही है, बच्चे कैसे जाया करेंगे डेली स्कूल। अभी ना मैं थोड़ा सा कुछ खा पी लूँ, ताकि कुछ खाओ पीऊँगी तो फिर ही ना आज कुछ मज़े का बनाने वाली हूँ, वो भी आप वीडियो में देखेंगे। अभी मैं कुछ खा पी लूँ ताकि दवाई ले सकूँ। सर की दबा की दाढ़ी जाम हुई पड़ी है मेरे, तो गर्म होगी है चाय, चीनी बिल्कुल तो नहीं स्लो डाली आप, चीनी बहुत स्लो डालते हो। मॉम बंद है, इतने लगा भी मिला बंद, दो क्या करने है? मैं तो खा लू एक, कौन सा एक, ये अल्लाह तू कितना बेईमान है ना, थोड़ा सा बड़ा है तो तूने वो छीन लिया बाद, हाँ तो बड़े बड़ा है तो पेट भरेगा। अभी खाना बन जाएगा, अभी सुबह नाश्ता नहीं किया, नहीं हाँ क्या खाया, क्या खाया, दिल ही नहीं करता बुखार के साथ, दिल ही नहीं करता किसी चीज़ को खाने में ना, बुखार हो तो नहीं दिल करता कि पता कुछ चीज़ खा ले। अभी मैं डबल रोटी खाने लगी, अगर आपने भी खाना है तो आप भी आ जाए खा ले, क्योंकि मेरी तो मजबूरी है, मुझे तो बुखार है इसलिए। ये देखो डॉक्टर ने इतनी दवाइयाँ दे दी है, अरे कैसे कैसे इतनी सख्त दवाई है, ये मुझे दवाई खानी पड़ेगी।
चाय पी के अभी खाना भी बैठा ही बनाना है। अल्लाह अल्लाह माफ करे इनसे, इन्होंने खाना भी खुद नहीं बनाना। हाँ मैं सही कह रही हूँ ना, आपने बनाना ना जरूरी नहीं बनाना। आप लोग कहते हो पक जाएगा तो खा लेंगे, नहीं तो फिर हम बैठे। मैं बनाऊँ, मैं बनाऊँ, मैं नहीं। आप ना अपना हेल्प तो करें ना, वो भी हेल्प करे मेरी, आप भी हेल्प करें, ताकि हम एक वो लेकर वो चीज़ आ गए जो इतनी मुश्किल से बनती है। चलो देखते हैं बनती है या नहीं बनती है आज। चाहे तो मजेदार बनाइए तूने। मैं आपके सामने ना एक बेड्स पढ़ना चाह रही थी, किसी ने लिखा है कि बेड्स में ये देखे, अगर आपको झूठ लग रहा हो तो ये देखें, झूठ क्या लगेगा, आप बेड्स पढ़ती रहते हो। कुछ लोग तो बहुत बेहुदा और बहुत ही गलत बेड्स करते हैं, मगर मेरा क्या लेते हैं। मैंने तो आपको पहले भी बताया है कि मेरी तो मजबूरी है वीडियो बनाना, ठीक है। तो मगर ये है, ये किसी भाई ने बेड्स किया है, उसकी मेहरबानी, अच्छा बेड्स किया उसने। उसने किया, मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, प्यारी बाजी आपसे रब्ता कैसे हो, मतलब रब्ता कैसे करूं। प्यारे भाई मैंने अपना ना, मैं आपके सामने एक बेड्स पढ़ना चाहती हूँ। कुछ लोग तो बेहुदा बहुत गलत मैसेज करते हैं, ठीक है, कमेंट्स करते हैं, मगर मेरा कुछ नहीं लेते, मेरे सर पे कोई असर नहीं होता, क्योंकि आपको पता है मेरी मजबूरी है वीडियो बनाना, ठीक है। आगे आपका फेल है वीडियो देख के, कमेंट्स गलत करो अच्छे करो, ये तो आपका रिजर्व है, ठीक है, आपकी सोच है। मेरे लिए क्या सोच रखते हो, मुझे इससे कोई गर्ज नहीं, जो अच्छा मेरे लिए सोचता है मैं उसकी दिल से इज्जत कर। कोई मेरे लिए गलत सोचता है, कोई मेरे लिए अच्छा सोचता है, जो अच्छे सोचते हैं उनकी मेहरबानी, और जो गलत सोचते हैं फिर उनकी भी मेहरबानी, क्योंकि शायद वो मेरी तकलीफ़ों से गुजरे तो शायद वो कभी भी मुझे गलत कमेंट्स ना करें, ठीक है। तो एक भाई ने ना मुझे कमेंट्स किया है कि सिस्टर मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, आप किस जगह रहती हैं और आपसे रब्ता करूँ तो कैसे करूँ, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, वो मैंने दिखाना कौन सा। हाँ दिखाती हूँ, एक मिनट वेट करो, ये इतनी जल्दबाजी नहीं अच्छी होती जिंदगी में। ढूंढ रही हो? हाँ ढूंढ रही हूँ। हाँ उस भाई ने ना कमेंट्स किया है कि मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, प्यारी बाजी आपसे रब्ता कैसे होगा। प्यारे भाई मेरी ना टिकटॉक वाली आईडी पे जाए, ठीक है, वहाँ जाके आप मुझे कमेंट्स करें तो मैं वहाँ आपके हर सवाल का जवाब दूंगी, ठीक है, वहाँ से आप मुझसे रब्ता कर सकते हो, ठीक है। और एक ने लिखा है कि आपसे रब्ता कैसे मुमकिन है। मैंने दिया था ना इतने दिन नंबर कि आपकी हेल्प की ज़रूरत है, मैं घर बनाना चाहती हूँ, मेरा भैया मुझे छोड़ के चला गया, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप हेल्प करेंगे तो मैं अपना घर बना लूँगी, मुझे इज्जत वाली छत मिल जाएगी, मैं किरायों में दब के खा रही हूँ। मगर हर किसी ने गलत बयानी की, हर किसी ने कोई अच्छा, मतलब वो कहते हैं ना इज्जत करना, कुछ बहुत खास, कुछ लोगों ने बहुत इज्जत की और कुछ लोगों ने गलत बातें की, और इसलिए मैंने वो नंबर उठा दिया, ठीक है, फिनिश कर दिया। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं किसी के मुंह लगूँ, ठीक है, मैं नहीं चाहती कि मैं फजूल किसी से बात करूं, क्योंकि मेरे भैया ने भी कहा जी इसने ना फेसबुक पे नंबर दे दिया है, इसने तो अपना यूट्यूब पे नंबर दे दिया है, इसलिए मैं नहीं चाहती कि वो मजीद और बात मेरे ऊपर करें। भाई जान वो मेरे नंबर उठा दिया है, जिसने भी मुझसे रब्ता करना है मेरी टिकटॉक आईडी पे जाए, ठीक है, वहाँ जाके क्या उसका नाम है, टिकटॉक की आईडी का नाम बताएं आप अली। टिकटॉक की आईडी का नाम है आसिया व्लॉग ऑफिशियल जीरो। जीरो? हाँ नंबर जीरो है, नंबर जीरो है। तो वहाँ ना मुझे फॉलो भी करें। इधर हो गई आईडी। अच्छा दिखा लो, ये वो आईडी है, ये वाली है। आजा आजा जल्दी, इतना डेट स्लो चल रहा है, इधर करो मैं काल के दिखाती हूँ, बहुत ज्यादा स्लो चल रहा है डेट। किधर से निकल रही है मुझे तो ये भी नहीं पता, तो क्यों नहीं निकल रही। हाँ ये आगे, ये ऊपर वाली, ऊपर है, इसको बड़ा करो ना। आसिया व्लॉग ऑफिशियल जीरो, ये देखो आसिया व्लॉग ऑफिशियल जीरो, दिखा भी तो आप गौर से, ये वाली है।
ये वाली है। अब मेरी टिकटॉक आईडी पे जाए, ठीक है, वहाँ जब मैं आपको सारा रिप्लाई दूंगी, ठीक है, और मेरे जो टिकटॉक की आईडी है उसको फॉलो भी करें, लाइक भी करें, ताकि मैं लाइव बैठूं और लाइव बैठ के मैं कुछ कमाऊं, कुछ कमा के ना मैं अपने बच्चों के घर बना सकूं, ठीक है। जितनी आपने मेरी हेल्प करनी थी वो तो कर ली, वो तो मैं दोनों हाथों से आपको सलाम करती हूँ, ठीक है। तो आप मेरी टिकटॉक आईडी पे आ जाए, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई ज़रूर मिलेगा, ठीक है। तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई हुई है। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। मैं चाय पी लूँ और फिर सालन डालूँ।